बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अतिक्रमण के नाम पर पहाड़ के लोगों को उजाड़ने का आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि वन पंचायत के अधिकारों में भी वन विभाग द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और हाईकोर्ट में सरकार लोगों का सही पक्ष नहीं रख पा रही है। यही कारण है कि अब लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील करते हुए कहा कि तत्काल चिन्हीकरण रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोगों को अतिक्रमण से राहत दिलाई जाए, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारी अंतर से इस उपचुनाव को जीत रही है और बीजेपी की सरकारी मशीनरी और सत्ता का पूरी तरह दुरुपयोग करने में जुटी हुई है। पैसा बट रहा है कि मैं बहुत आभारी हूँ बागेश्वर की जनता जनार्दन का, सरकार के धन बल, पशु बल, सत्ता बल, साधन बल के खुले दुरुपयोग के बावजूद लोगों को धमकाने डराने की कार्रवाई खुल करके धन बांटने के बावजूद भी बागेश्वर की जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है, कांग्रेस को विजयी बना रही है। बसंत के प्यार में बसंत को वोट दे करके कांग्रेस के आंगन में भी बसंत खिला रही है, फूल खिला रही है। सरकारी गाड़ियों में शराब बढ़ रही है आपने कहा,